अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के जिस इलाके में सबसे पहले कोरोना के पेशेंट मिले थे, अमृत नगर इस इलाके की बिल्डिंग को खोल दिया गया है, यानी इसकी 14 दिनों की क्वारंटाइन हुई थी। आज ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों ने इसकी सील को खोल दिया है और इसमें रहने वाले लोगों को बताया गया है जो ठाणे महानगर पालिका के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अब तक 5 बिल्डिंग की सील 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद इलाके के नगर सेवक शानू पठान ने खुलवाई है। आज जैसे ही तहसील नामक बिल्डिंग का ताला खुला, लोगों ने पुलिस, टीएमसी के अधिकारी व नगर सेवक के नाम से तालियां बजाई। इस बीच नगर सेवक शानू पठान ने क्या कहा है, आप सुनिए। शानू भाई, कितने अभी तक जो है जो सील किया गया था बिल्डिंग, कितने आपके वार्ड में खुले हैं और कितना बचे हैं मतलब खोलने के लिए? देखिए, मेरे वार्ड में जब जो अमृत नगर था, रेड जोन था, आज ये बिल्डिंग के खुलते ही सारी जितनी भी बिल्डिंग थी वो क्वारंटाइन से बाहर आ चुकी है। जिसको सील किया था वो सब सील खोल के ले लिया है और ज़्यादातर पेशेंट हमारे जो क्वारंटाइन में रखे थे महिंद्रपाड़ा में, वो भी सब आ चुके। अब एक दो दिन के अंदर 4 पेशेंट जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया लेकिन वो महिंद्रपाड़ा में है, वो भी जल्द मुमरा के अंदर आ जाएंगे। तो आपने सुना, अमृत नगर की 5 बिल्डिंग है जिसकी टीएमसी द्वारा सील की गई थी, उन्हें आज खोला गया है। इसी तरह से मुमरा कोसा में जहां जहां क्वारंटाइन हुई बिल्डिंग है उन्हें 14 दिन पूरे होने पर खोल दिया जाएगा। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।